आज का प्रातः क्लास है 22 जुलाई 1968। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते, हद का बाप तो एक जन्म का होता है और ये है बेहद का बाप। जन्म जन्मांतर आत्मा कार्य करती है, पार्ट बजाती है, तो आत्माओं का बाप भी है और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। दोनों ही बेहद के बाप हैं और फिर बेहद के बच्चे भी हैं। ये एक जन्म के बच्चे नहीं है, जन्म जन्मांतर के बच्चे हैं और थोड़े जन्म लेने वाले बच्चे नहीं है। पूरे 84 का चक्र काटने वाले बच्चे हैं, इसलिए बेहद के बच्चे हैं। जो कम जन्म लेने वाली आत्मा रूपी बच्चे हैं, वो तो बाप को पूरा पहचान भी नहीं पाते, न पहचानने के कारण परमधाम वासी हो जाते हैं। और परमधाम में कुछ न कुछ समय पड़े रहते हैं, उनके जन्म भी कम हो जाते हैं, इसलिए उनको बेहद के बच्चे नहीं कहेंगे। तो बाप भी बेहद का है और बच्चे भी बेहद के हैं, उनकी बुद्धि हद में टिकने वाली नहीं है। कि सिर्फ काठमांडू का कल्याण करने वाले हो, नेपाल का कल्याण करने वाले हो या सारे भारत का कल्याण करने वाले हो, नहीं, कैसे बेहद के बच्चे हैं, सारे विश्व का कल्याण करने वाले बेहद विश्व बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, बैठ करके समझाते हैं, खड़े हो गए नहीं, ऐसे क्यों? बैठ का मतलब मुकर्रर रथ है और वो रथ बेहद का विश्व का बाप कहा जाता है। सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है, तो आत्माओं को ही समझाते हैं, क्योंकि जो आत्म की स्थिति में टिकने वाले बच्चे नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते भी नहीं है। जो पक्की पक्की आत्मा है वो पूरे 84 के चक्र में आते हैं, जिनमें देह बांध रह जाता है तो जन्म कम हो जाते हैं। परमधाम में वो आत्माएं पड़ी रहेंगी, इस शक्ति पर भी आएंगी तो अधूरा पार्ट बजाएंगी, ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा लेंगी। फिर भी बाप कहते हैं
कि मैं आत्माओं का बाप तो हूँ परंतु सर्व की सदगति करने वाला हूँ, ऐसे नहीं कि जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरा ही ऑलराउंड पार्टधारी है उन्हीं की सदगति करता हूँ। नहीं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको देता हूँ। तो सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। जो भी आत्माएं हैं उनको जीवात्माएं कहेंगे क्योंकि जीवन धारण करने वाली आत्माएं हैं। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। भले ड्रामा के प्लान अनुसार बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता भी नहीं हूं। दो बेहद के बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो तो स्वर्ग को देखता है, नरक को भी देखता है, परंतु आत्माओं का जो बाप है वो स्वर्ग को देखता भी नहीं है तो भी स्वर्ग की स्थापना करके जाता है। स्वर्ग को वही आत्माएं देख सकती हैं जिनके लिए स्वर्ग का निर्माण किया जाता है। स्वर्ग तो नई दुनिया है ना, तुमको पढ़ा करके फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए शरीर धारण करता हूं, बाकी कोई शरीर धारण करने की मुझे दरकार नहीं है। तो बिगर शरीर देखूंगा कैसे और सुनूंगा कैसे? ऐसे नहीं, मैं कोई जहां तहां मौजूद रहता हूं तुमको देखने और सुनने के लिए, नहीं, मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूं तुमको देखने के लिए, तुमको सुनने के लिए, तुम्हारे साथ सर्व संबंध जोड़ने के लिए। तो मैं जहां तहां मौजूद नहीं हूं, मन सर्वव्यापी नहीं हूं। आते हैं तो सभी कुछ देखते हैं, इस दुनिया का अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, अच्छे से अच्छे पार्टदारी बच्चों को भी देखते हैं और बुरे से बुरा पार्ट बजाने वाले बच्चों को भी देखते हैं, सभी कुछ देखते हैं। परंतु आम सारी दुनिया को देखते हैं और खास तुम बच्चों को देखते हैं, खास भारतवासियों की सदगति के लिए आता हूं, आम सारी दुनिया की सदगति करता हूं। तो फिर कह सकते हो कि बाप सिर्फ हम बच्चों को देखते हैं जिनको ये गुलगुल बना करके याद की यात्रा सिखलाते हैं? ये योग अक्षर तो भक्ति मार्ग का है,
ज्ञान मार्ग का अक्षर क्या है? क्यों उसे ज्ञान मार्ग का अक्षर क्यों कहा? इसलिए कहा कि याद उसकी ही आती है जिसको देखा जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, जिससे सुख मिलता है। वो सन्यासी योग योग करते रहते हैं भगवान से योग लगावे, परंतु न भगवान को देखते हैं, न सुनते हैं, न उसके साथ सर्व संबंध जोड़ पाते। तो उनका योग प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है? वो तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई, और तुम्हारी याद तो प्रैक्टिकल है। तो तुम याद अक्षर कहते हो, ये ज्ञान की बात हुई, समझ की बात हुई। याद उसको ही किया जा सकता है जिसको अनुभव किया जाए, और ज्ञान देने वाला भी एक ही बाप है। क्या योग योग कहते हैं? वो तो बहुतेरे योग हैं। आसन प्राणायाम सिखाते हैं, वो भी योग कह देते हैं। भक्ति को भी योग कह देते हैं, बुद्धि योग कह देते हैं, परंतु वास्तव में तुम्हारा तो एक ही प्रकार की याद है। उन्होंने तो भक्ति में नौधा भक्ति कह दिया है, नौ प्रकार की भक्ति, परंतु तुम जो याद करते हो तुम्हारी फर्स्ट क्लास याद है। सर्व संबंधों वाली याद तुम्हारी है, और तुमको याद सिखाने वाला एक ही बाप है, दूसरा कोई ऐसी याद गहरी याद सिखाई नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। उनको सदगुरु कहा जाता है, बाकी तो गुरु कैसे हैं? सतगुरु कहे, बाकी गुरुओं को गुरु कहेंगे लेकिन सदगुरु नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनमें से कोई भी सदगति कर ही नहीं सकता, सद युग की स्थापना कर ही नहीं सकता। जो सदगुरु है तो सतयुग की स्थापना करके दिखावे, सच्ची दुनिया बनाकर दिखावे। तो वो है सिर्फ गुरु, और बाप है सदगुरु, और वो एक ही है। वो सच बोलने वाला है, बाकी दुनिया में कोई छाटती छोक करके नहीं कह सकता कि हम सदा ही सच बोलते हैं। कोई सन्यासी, गुरु, महात्मा ये कहेंगे कि मैं सदा सच बोलता हूँ? अंदर से भी समझते हैं कि हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, दुनिया के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, 84 के चक्र को भी नहीं जानते, तो वो अपने को सत्य कहेंगे कैसे? एक ही सत्य है जो सच बोलने वाला है और सच खंड स्थापन करने वाला है। बाकी सब जो भी मनुष्य मात्र हैं, कितने भी बड़े से बड़े गुरु हों, दुनिया की मनुष्य शक्ति की कितनी भी बड़े से बड़ी जनरेशन को मनवाने वाले हो, जैसे क्राइस्ट है, 150-200 करोड़ संसार में क्रिश्चियंस हैं जो क्राइस्ट को मानते हैं, अपना बाप समझते हैं, धर्म पिता समझते हैं, परंतु सत्य खंड नहीं स्थापन कर सकते। दुनिया कैसी बनती जाती है? झूठी बनती जाती है। हाँ, भारत सत्य खंड था,
और भारत को सचखंड बाप ने ही आकर के बनाया। और जो धर्म पिताएं आते हैं वो भारत को भी झूठ खंड बनाई देते। बाप कहते हैं भारत तो अविनाशी खंड है और अविनाशी जो है उसका विनाश नहीं हो सकता। जो सत्य है उसका विनाश नहीं हो सकता, जो असत्य है झूठा है उसका विनाश हो जाता है। जो भी धर्म खंड है और इस्लामी धर्म खंड, अरब देश, क्रिश्चियन धर्म खंड, ब्रिटानिया, अमेरिका आदि, मुस्लिम धर्म खंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक वगैरह, या बौद्ध धर्मखंड, चीन, जापान वगैरह, जो भी धर्मखंड है, जो भी धर्म पिताओं ने आकर के धर्म स्थापना की वो सब विनाश को पाते। पहले भी नहीं थे और जब विनाश होगा तो भी नहीं रहेंगे, लेकिन भारत खंड था और भारत खंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अविनाशी खंड है और इस अविनाशी खंड की स्थापना करने के लिए सप्त बाप ही आते हैं, जो सदा अविनाशी है और अविनाशी तन में आते हैं। कैसी आत्मा में आते हैं? जो अविनाशी तनधारी आत्मा है, पूरे 84 का चक्र लगाने वाली आत्मा, ऑलराउंड पार्ट धारी में आते हैं और आकर के जो सचखंड बनाते हैं वहां सभी देवी देवताएं निवास करते थे। जो सचखंड बनाते हैं उसमें सभी देवी देवताएं निवास करते हैं। कितनी आबादी होती है, है? सचखंड की आबादी कितनी होती है? देवी देवताओं की आबादी कितनी होती है? देवी देवताएं कितने गाए जाते हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं। परंतु उन देवी देवताओं में पक्के जिनको देवी देवता कहे वो तो 84 जन्म लेने वाले ही है, जो पक्के ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। जिनके 84 जन्म ही नहीं होते वो पक्के ब्राह्मण भी नहीं बनते। ऐसे तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, परंतु जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो कन्वर्ट भी तो होते हैं दूसरे धर्मों में, है? कन्वर्ट होते हैं तो सच्चे हैं या झूठे हैं? वो तो झूठे हो गए। जो सच्चे हैं, आज से अंत तक अपने धर्म के पक्के हैं, उनको झाड़ में कहाँ दिखाया गया है? मुनि सिद्धि का झाड़ है ना, उसमें जो अपने धर्म के पक्के हैं वो कहाँ दिखाई गए? थुर में दिखाए गए। थुर जो है आज से लेकर अंत तक ऊंचा ही ऊंचा है, इधर उधर मुड़ने वाला नहीं है। नहीं तो कोई धर्म राइटियस में मुड़ जाते और कोई धर्म लेफ्टिस्ट में मुड़ जाते। तुम जानते हो कि बरोबर हम अभी मनुष्य से देवता बन गए हैं। अभी माने अभी पुरुषोत्तम संगम युग में हम बरोबर देवता बन रहे हैं। तुम बच्चों को समझाते हैं कि जो सच बाप आया हुआ है उसके साथ
अंदर और बाहर सच बनकर के रहना है। अंदर की सच्चाई क्या होती है और बाहर की सच्चाई क्या होती है? अंदर की सच्चाई है मन के संकल्पों से भी सच्चा बनकर के रहना, पूरा पोता मेल बाप को देना, कोई भी मैल माटी अंदर न रह जाए, वो है अंदर की सच्चाई। और बाहर की सच्चाई, बाहर की सच्चाई है एक बाप के साथ संपर्क संबंध और संबंध में आना और दूसरों के साथ विचार में ना जाना, एक का संग करना अनेकों का संग नहीं करना। पहले तो तुम कदम कदम पर झूठ ही झूठ थे, ये दुनिया ही झूठ खंड है। झूठ खंड में राज्य किसका है? रावण का राज्य है। रावण है ही झूठा। जो सच्चा होगा वो एक मुख की बात करेगा या दुमुहा होगा? एक मुख की बात करेगा। और रावण को कितने मुख है? रावण को 10 मुख है, 10 प्रकार की बातें बनाएगा। जो झूठ बोलने वाला होता है उसको एक झूठ के ऊपर दूसरा तीसरा 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो सच्चा है उसको बार बार बदलने की दरकार होती नहीं। तो बाप कहते हैं ये झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो छोड़ना पड़ेगा। क्या जो चीज प्यारी लगती है ना वो छुपा के रखते हैं, बहुत प्यारी बात होती है तो उसको छुपा के रखा जाता है। अगर प्यार नहीं है तो दिखा देंगे। तो ऐसे ही बहुत बच्चे हैं जो सच बताते नहीं है, अपना पूरा पोता मेल देते नहीं है। बल स्वर्ग में तो बहुत जावेंगे लेकिन बाप को जानकर विकर्मों का बोझा नहीं उतारा तो सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। और उससे घाटा क्या होगा? जितनी जाति सजाएं खा देंगे उतना पद नीचा होता जाएगा, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर इसमें तो सब प्रकार की चाहिए, महाराजा भी चाहिए, महारानी भी चाहिए, राजाएं भी चाहिए, राजदरबारी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, छोटे बड़े साहूकार भी चाहिए और प्रजा की कैटेगरीज भी हैं अलग अलग। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, कोई फोर्थ क्लास प्रजा में जाकर के गिरते हैं, चांडाल आदि बन पड़ते हैं, प्रजा वर्ग के भी दास दासी बन पड़ते हैं। ऐसी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, ऐसी राजधानी न सतयुग में स्थापन होती है और न कलयुग में स्थापन होती है। कहाँ स्थापन होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऐसी राजधानी स्थापन होती है। और बाप भी न कलयुग में आते हैं और न सतयुग में आते हैं। इस युग को ही कहा जाता है सर्वोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें बाप आकर सभी का कल्याण करते हैं, ये भी जानते हो कि कलयुग के बाद सतयुग आता है।
क्या द्वापर की बात आ जाए, जैसा शास्त्रकारों ने लिख दिया है, पढ़ दिया है, सुनाई दिया है। क्या सुनाया? कि भगवान द्वापर में कृष्ण का रूप धारण करके आया और द्वापर के अंत में आकर महाभारी महाभारत युद्ध कराया, सत्य और असत्य का युद्ध कराया। तो क्या सत्यखंड स्थापन हो गया? नहीं स्थापन हुआ। द्वापर के अंत में आकर के सत्यखंड थोड़े ही स्थापन करेंगे। अगर द्वापर में भगवान आया होता द्वापर के अंत में, तो पाप युग कलयुग कैसे स्थापन हो गया? इससे क्या साबित हुआ कि भगवान कोई द्वापर में या त्रेता में या सतयुग में नहीं आता है? तो आता ही है कलयुग के अंत में। क्या करने के लिए? कलह कलेश की दुनिया का अंत करके अयोध्या बनाने के लिए आता है, जहाँ कोई प्रकार का युद्ध राम के राज्य में होता ही नहीं। मनसा के संकल्पों से भी कोई आपस में नहीं लड़ेंगे, वाचा से भी नहीं लड़ेंगे और कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई लड़कर एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। इसलिए बाप कहते हैं ये संगम युग जरूर चाहिए, ताकि मैं आकर के नंबर वार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं की गणना दिखाई सके। 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, तो सब एक जैसे हैं या नंबर वार हैं? सब नंबर वार हैं। नंबर वार ही सृष्टि पर उतरते हैं और नंबर वार ही सृष्टि से वापस परमधाम में जावेंगे। बाप ने समझाया है ये पतित पुरानी दुनिया है, जैन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो पराए देश में जब बाप आते हैं तो दुश्मन के देश में, रावण के देश में, सब रावण के कंट्रोल में होते हैं या कोई राम के कंट्रोल में होता है? सारी दुनिया यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है, सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं। ऐसे रावण संप्रदाय के देश में जहाँ सब रावण संप्रदाय के बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, दुराचारी बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, ऐसे देश में फिर मुझे अपने बच्चे कहाँ मिलेंगे? पराए देश में पराए बच्चे होंगे या मेरे बच्चे होंगे? सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, तो क्या करते हैं? उन बच्चों को अच्छी रीत बैठ करके समझाते हैं। अच्छी रीति का मतलब कोई बाप होगा अपने बच्चे को एक बार समझाएगा, दो बार समझाएगा, 10 बार 20 बार 50 बार समझाएगा, इतना ही तो करेगा। लेकिन ये बाप 70 साल से ऊपर हो गए और अभी तक भी समझाता जाता है और बच्चे अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ रहे, तो देखो कितनी अच्छी रीति समझाता हूँ। हार जाते हैं क्या? नहीं हारते। और फिर मैं किस में प्रवेश करता हूँ? वो भी परिचय देते क्या? इस बात का परिचय मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता कि मैं किस में प्रवेश करके तुमको समझाता हूँ।
अपना परिचय भी देता हूँ और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनका परिचय भी देता हूँ और उनको भी समझाता हूँ। क्या माने सारे ही बच्चे बेसमझ है रावण संप्रदाय में, या कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझदार रह जाते हैं? सारे ही बेसमझ हो जाते हैं, जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी बेसमझ। उसकी यादगार क्या है? अरे जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको मैं चुनता हूँ कार्य करने के लिए विशेष, वो भी बेसमझ होता है, उसकी यादगार भी कुछ है क्या? क्या है शंकर जी की समाधि? समाधि तो तपस्या की यादगार है, वो तो अच्छी बात है। हाँ पत्थर का लिंग, लिंग जो है वो सोने का भी लिंग बनाया जाता था, हीरे का भी लिंग था, चांदी का भी लिंग बनाया जाता, तांबे का भी लिंग बनाया जाता, और अभी दुनिया में ज्यादा लिंग कुछ प्रकार के मिलते हैं पत्थर के, लोहे की फिर भी कीमत होती है, पत्थर की तो कोई कोई कीमत नहीं। पत्थर बुद्धि में आकर के प्रवेश करता हूँ और उस पत्थर की भक्त लोग पूजा करते हैं, है? पत्थर की पूजा करते हैं कि नहीं? भारत में तो खास भारतवासी पत्थर के लिंग की पूजा करते हैं। तो देखो मैं आकर के उसका भी परिचय देता हूँ कि वो भी इतना पत्थर बुद्धि बन जाता है। जो पवित्र बनते हैं उनको फिर पतित नहीं कहा जाता है। पतित किन को कहा जाता है? हैं? जो अपवित्र बनते हैं उनको पतित कहा जाता है। यह पवित्र अपवित्र क्या है? नहा धो के बैठ जाए तो पवित्र हो जाएंगे? हैं? वो तो सुबह शाम बहुत ही नहाया करते हैं, स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं नहीं? फिर क्या इसे पवित्र का मतलब क्या है? पावन का मतलब क्या है? पतित किसे कहा जाता है? अभिविचारी को पतित कहा जाता है, है? ये पेन है अभी ऊपर है और फिर ये नीचे गिर गया तो पतित हुआ, ऊपर से नीचे गिर गया तो कहेंगे पतित। तो पतित का अर्थ है चाहे मनसा के संकल्प हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मेंद्रियों की शक्ति हो, अगर गिरती है पतन होता है तो कहेंगे पतित। अगर संकल्प अच्छे ही आते रहे, श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प आते रहे, शुद्ध संकल्प ही आते रहे तो संकल्पों से पतित कहेंगे, हैं? नहीं कहेंगे? ऐसे ही वाचा भी अपने प्रति या दूसरों के प्रति कल्याणकारी वाचा ही निकलती रहे, हर आत्मा के लिए कल्याण की बोली निकले तो उसे पतित वाचा कहेंगे, पावन वाचा कहेंगे, पावन ही कहेंगे। ऐसे ही कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना, तो कोई भी कर्मेंद्रिय से किया हुआ कर्म अगर कर्मेंद्रियों को शक्तिहीन बनाता है तो
तो क्या कहेंगे? पतित है या पावन है? पतित कहेंगे। कोई अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है तो उसकी खुशी बढ़ती है या घटती है? खुशी बढ़ती है। उन्हीं कर्मेंद्रियों से कोई बुरे कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। तो पतित इस दुनिया में सभी हैं। बाप आकर के उनको पावन बनना सिखाते हैं। क्या करते हैं? मैं आया हुआ हूँ, एवर प्योर। एवर प्योर का मतलब इससे जास्ती पवित्र दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। वो एवर प्योर परमात्मा बाप इस शक्ति पर जब आते हैं तो मनुष्यों को आप समान पवित्र बनाते हैं। उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। माना वो भले पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, तो भी जो भी कर्म करता है, कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करता है, वो पतित कहा जाएगा या पावन कहा जाएगा? रिजल्ट में, रिजल्ट में पावन कर्म ही करे साबित होगा, पतित कर्म साबित नहीं हो सकता। इसलिए सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव माने सदा काल पावन है। नहीं तो मनुष्यों की तो ये आदत है, खास करके काम और क्रोध के बारे में, कि वे दुष्ट संग में आ जाते हैं तो लेप छेप जरूर लग जाता है। स्त्री के संग में आते हैं, क्लोज कनेक्शन में आते हैं तो क्षीणता जरूर हो जाती है। चाहे 33 करोड़ देवताएं ही क्यों न हो, उनकी भी लिंग इंद्रिय पूजी नहीं जाती। क्यों नहीं पूजी जाती? आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सबके लिए कहा जाता है। कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, कमल हस्त कहते हैं ना, उनको कमल फूल की शिक्षा दे, वो उदाहरण देंगे, लेकिन उनके लिंग को कोई पूजता नहीं है। और शिव के लिंग को भी पूजा जाता है, विग्रह को भी पूजते हैं। शंकर का जो मूर्ति है वो पूजी जाती है कि नहीं? पूजी जाती है, लेकिन ज्यादा पूजा किस रूप में मिलती है? क्यों? इसलिए पूजा कर मिलती है कि उन्होंने ऐसी स्टेज में भी रह करके भी पतन को प्राप्त नहीं किया, कोई को दुख अनुभव नहीं हुआ। नहीं तो मनुष्य जो है वो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण नहीं कर पाते। तो बोला सारी दुनिया इस समय पतित बन जाती है, मैं आकर के उनको नंबर वार पावन बनाता हूं। फिर फरिश्ते बनने के बाद देवता बन जाते हैं। फरिश्ता पहले बनना जरूरी है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना जरूरी है। क्यों? ब्राह्मणों का संसर्ग संपर्क जो है फर्श की दुनिया वालों से हो सकता है, लेकिन फरिश्ता का संबंध या अटैचमेंट कोई भी फर्श की दुनिया वाले से या फर्श की दुनिया के कोई पदार्थ से नहीं होता है। वो सदैव उपराम रहता है। ऐसी मन की और तन की स्टेज जिनकी बन जाती है वो फरिश्ते ही फिर देवता कहे जाते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम ऐसे संपूर्ण फरिश्तों को देखते हो,
उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है, उनका शरीर कैसा होता है, लाइट का शरीर होता है। लाइट का मतलब क्या हुआ, कोई सूर्य जैसी लाइट चमकती है नहीं, लाइट का मतलब है कि ऐसी आत्माएं जो फरिश्ता बनती हैं, वो सदैव ज्ञान की रोशनी में रहने वाली है, उनके अंदर कभी भी अज्ञान आता ही नहीं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, ऐसा फरिश्ता ऐसा देवता संपूर्ण बनने के लिए क्या करो है? एक अलफ को याद करो है, बिंदी को नुक्ता को याद ना करें है। एक अलफ होता है उर्दू में, अक्षर होते हैं ना, पहले नंबर का जो अक्षर होता है उसे कहते हैं अलफ, फिर दूसरे नंबर, दो नंबर भी होता है, दो नंबर का माल अच्छा माना जाता है बुरा, वो तो बुरा माना जाता है, उसको कहते हैं बे। अंतर क्या है अलफ और बे में, अंतर क्या है, अलफ खड़ा है और बे बे पड़ा है। माना जिस तन में शिव बाप आकर के प्रवेश करते हैं, बल शिव बाप तो नुक्ता है, बिंदु है, क्या नुक्ता है, बिंदु है, लेकिन बिंदु की कोई वैल्यू नहीं होती। बिंदी 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 ढेर बिंदी लगा दो, कोई अंक ना लगाओ तो वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं। तो एक अलफ और उसके साथ बिंदु तो वैल्यू हो जाती है। तो उस अलफ को याद करो जिसमें वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, अलफ माने बाबा, बाबा माने साकार और निराकार का मेल, उनको फिर अल्लाह भी कहते हैं। अल्लाह माने सबसे ऊंचा, ऊंचा कोई कब तब कब बनता है, किसी को ऊंचा कब कहा जाता है, ऊंचे कर्म करे तो ऊंच कहा जाता है और नीच कर्म करे तो नीच कहा जाता है। तो अल्लाह से ज्यादा ऊंचे कर्म करने वाला दुनिया में और कोई भी है ही नहीं, ये तो बच्चे समझ गए हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, क्या मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है, नर माने मनुष्य, तो मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है उनसे नरक का वर्षा मिलता है। वो मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे बन जाए, देवता तुल्य क्यों न बन जाए, तो भी उनसे वर्षा कैसा मिलता है, नरक का वर्षा मिलता है, और बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसी क्या खासियत खास बात है बाप में जो बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और एक ही वो बेहद का बाप है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, वो खासियत क्या है बाप की, है? नहीं, स्वर्ग कहा जाता है, नाम पड़ा है ना स्वर्ग, तो नाम तो काम के आधार पर पड़ते हैं ना, तो स्वर्ग नाम ही तब पड़ा है हाँ, कि वो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। कौन, शिव बाप, जिसमें प्रवेश करता है वो सदा काल 84 जन्म स्वयं स्थिति में रहता है क्या, नहीं रहता। जिस मुकर्रर रथ को वो सुप्रीम सोल चुनता है अपना कार्य करने के लिए, हीरो पार्टधारी को, वो भी सदैव स्वचिंतन में नहीं रहता, पर चिंतन में आ जाता है, मन चलायमान हो जाता है, तो मनुष्य कहा जाता है।
इसलिए वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। प्रजापिता या आदम वो कोई अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है। मुसलमान लोग इकरा भी गाते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। कब वो समझ लेते हैं? हर युग में। अब हर युग में थोड़ी, कौन से युग में? इस संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो वो उससे अलग नहीं किए जा सकते। तुम बच्चे क्या समझो? यही समझो कि शिव बाप सदैव इसमें मौजूद ही है, विराजमान ही है। बल बताते हैं कि बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? अच्छा, दूसरे बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब दूसरे बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं तो फिर मुकर्रर रथ कैसे कहा जाता है? अच्छा, मुरली चलाने के लिए तो उस समय प्रवेश करते हैं, फिर दूसरे बच्चों में जब सेवा करते हैं, हाँ, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो एक ही टाइम पर अनेक बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर सकता है। तो स्वर्ग का वर्षा बाप से मिलता है, क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसी को याद करने के लिए तुम बच्चों को बोला जाता है। सदैव का मतलब क्या हुआ? सदैव का मतलब कोई भी कर्म करे, दुनिया की नजरों में देखने में आता है ये तो नीच कर्म करता है, लेकिन वो नीच कर्म उनको दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो रिजल्ट में ये देखने में आएगा कि वो नीच कर्म नहीं है। तो बोला वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कैसे स्वर्ग की रचना रचते हैं वो भी समझाया है, याद की यात्रा से और ज्ञान से स्वर्ग की रचना करते हैं। भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, क्यों? कैसे साबित हो कि भक्ति में ज्ञान नहीं होता है? हैं? भक्ति में बुद्धि भागती रहती है, कहीं बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है, और ज्ञान में बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है कि ये है ऊंचे से ऊंचे बाप। इस ऊंचे से ऊंचे बाप के संग के रंग में रहने से हम जरूर ऊंचे बनेंगे। तो देखो, ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति रूपी अज्ञान बिल्कुल अलग है। जहां जहां जिसकी बुद्धि में भक्ति समाई होगी तो उसकी निशानी क्या होगी? बुद्धि भागती रहेगी, एकाग्र नहीं होती है। तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? तो अज्ञानी है। अगर बुद्धि एकाग्र है, कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करे, कोई वाचा बोले, कोई संकल्प करे, उस संकल्प का, उस बुद्धि का अहम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? उस कर्म का अहम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक बाप दूसरा न कोई। तो ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं, और देते भी किनको है? 500 करोड़ को देते हैं? नहीं देते। अगर 500 करोड़ को ज्ञान नहीं मिलता है इस सृष्टि पर तो फिर उनकी मुक्ति हो सकती है? तो अंत में मिलता तो है ज्ञान है हमको भी। क्या आदमी मिल गया? हमको नंबर वाला टाइम पर मिलता है ना। तो 500 करोड़ आत्माएं भी
ब्राह्मण तो बनेंगी, और जब ब्राह्मण बनेंगी तो इससे साबित होता है तो ब्रह्मा की औलाद भी अपने को स्वीकार करेंगे कि सारी सृष्टि का रचयिता एक ब्रह्मा बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि उस गॉड फादर को मानेगी, तो एक ही बाप है और सारी मनुष्य सृष्टि को ब्राह्मण बना करके उनको ज्ञान देता है। तो देखो ब्राह्मण चोटी है, ऊंचे से ऊंचे तुम ब्राह्मण हो, फिर बायजोली खेलते हो क्या? ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की संतान अपन को समझते हैं, फिर संतान बनने के बाद क्या करते हैं है? बच्चा पैदा होता है, पैदा तो माँ से होता है, हुआ ना पैदा, तो माता के ही संसर्ग संपर्क में रहता है जिंदगी भर, या औरों का भी संग का रंग लगता रहता है, औरों का भी लगता है, तो फिर क्या हुआ रिजल्ट? संग का रंग जब औरों का लगेगा तो नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा? बच्चा बुद्धि ही बना रहेगा या सगीर बुद्धि कहा जाता है? बच्चा बुद्धि कहाँ रहता है? हाँ, सगीर बुद्धि हो जाती है, जवान हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, कितना मन चंचल हो जाता है, बच्चा है तो महात्मा कहा जाता है, कोई विकार उसमें नहीं होता है, और जो जो बड़ा होता जाता है उतना ज्यादा विकारी बुद्धि बन जाती है। तो ऐसे ही तुम बच्चे पहले ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की औलाद अपन को विश्वास करते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो, फिर बाद में क्या होता है, ब्राह्मण बनने के बाद फिर शूटिंग शुरू होती है चारों युगों की, रिहर्सल शुरू होती है। तो संगम युग में 84 जन्म मान लो किसी ने लिए हैं, तो जिन जिन 84 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आया होगा, वो ब्राह्मण जीवन में वो शूटिंग होगी या नहीं होगी? फिर निश्चय होगी, तो फिर मेंटेलिटी नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। क्यों क्यों नीचे गिरेगी? बाप ने तो सिखाई दिया एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे को याद मत करो, एक बाप को ही याद करना। लेकिन 63 जन्मों के संस्कार देहभान के पड़े हुए हैं, देहभान के संस्कार होने के कारण बार बार आत्मा देहधारियों की तरफ आकृष्ट हो जाती है और वो शूटिंग हो जाती है। अभी भी हम देखे कि हम बेसिक ज्ञान में आए, तो जब बेसिक ज्ञान में आए थे तब कितनी खुशी थी शुरुआत में, फिर बाद में क्या हुआ है? बाद में खुशी गायब हो गई। ऐसे ही एडवांस में भी होता है, एडवांस में जब आते हैं बाप के ऊपर निश्चय होता है, कोई सरेंडर भी हो जाते हैं, तन से मन से धन से अर्पण में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत खुशी बढ़ गई, नशा कर गया, फिर बाद में फिर अवस्था नीचे जरूर, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई की गिरने की गति धीमी होती है और कोई की गिरने की गति तीव्र होती है। मान लो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला सतयुग का नारायण है, सेकंड नारायण है, वो सेकंड नारायण जब द्वापर में पहुंचेगा तो पहले पहले वो ही पतित बनेगा इब्राहिम के द्वारा, कि कोई दूसरा देवता पतित बनेगा है? पहले वो ही पतित बनेगा, उसके पीछे फिर दूसरों का नंबर लगेगा। तो इससे साबित हुआ कि 63 जन्म के उसके जो संस्कार हैं इस्लामियों के साथ रहने के, पतित बनने के, व्यभिचारी बनने के, वो संस्कार संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं
तो वो संस्कार एकदम खलास नहीं होते। वो कितना भी कोशिश करे तो भी जबरियन उसकी शूटिंग पतित पने की तीव्रता से नीचे गिरने की होती है। तो इतना अंतर हो सकता है कि कोई धीरे धीरे पतित बने और कोई तीव्रता से पतित बने। बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है। चाहे कितना ही कोई याद करने वाला क्यों न हो, मान लो अष्टदेव ही क्यों न हो, सबसे जास्ती याद कौन करते हैं? अष्टदेव। अष्टदेवों में भी जो पहला ईश्वर है, पहला देवता जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, वो ही क्यों न हो, आदम वाली आत्मा क्यों न हो, वो भी अंतिम जन्म में पतित बनेगी या नहीं बनेगी? अंतिम जन्म में वो भी सबसे जाति नीचे गिरती है। तो पतित तो सबको होना होता है, वो तो कायदा है। मुरली में भी बोला बल पतित बनना है, वो तो कायदा है कि सब पतित बनते हैं। परंतु फिर नियम क्या है? नियम ये है कि एक से पतित बने, अनेकों से पतित न बने। जब व्यभिचारी बनते हैं, अनेकों से पतित बनते हैं, तो आत्मा का तेजी से पतन होता है। इसलिए सिखों में मानते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो कोई आत्मा तेजी से पतित होती है और कोई आत्मा धीमी गति से पतित होती है। भले धीमी गति से पतित होती है, फिर भी अंतिम जन्म में उसको भी नीचे गिरना है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुम बालजोली खेलते हो। बाबा बालजोली का अर्थ जब मंदिर में जाते हैं तो उसकी परिक्रमा लगाते हैं, या कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो सारे ही तीर्थ की परिक्रमा लगाते हैं, और उस परिक्रमा में कोई कोई बायजोली खेलते हुए जाते हैं, माने सर नीचे कर दिए, पांव ऊपर कर दिए, फिर पांव नीचे, फिर सर ऊपर, ऐसे गुलाटी खाते हुए प्रदक्षिणे करते हैं, चक्कर काटते हैं मंदिर के। तो तुम बायजोली खेलते हो, ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण चोटी बनते हो, चोटी तो ऊपर होती है, फिर क्या करते हो? चोटी को एड़ी से मिला देते हो, सतीजी से कलयुग भी बन जाते हो। अभी अभी ऊँची से दाहिना क्यों घूमते हो? हैं? दाहिना माय क्यों घूमते हैं? दाहिना हाथ पर घूमते हैं, बाजी भी खेलने वाले। हाँ, दाहिना नहीं घूमते, दाहिना साइड क्यों घूमते बाबा? इसका असर क्या होगा? जो दाएं हाथ घूमते, ऐसी बात नहीं है कि सभी दाएं हाथ घूमते। आपने देखा होगा कि सब दाएं हाथ घूमते, ऐसा नहीं है। पंडित जी तो कहते हैं कि दाएं से घूमो। हाँ, कौन कहते हैं? पंडित जी कहते हैं दाएं बाएं घूम जाओ। हाँ, पंडित कहते हैं। तो पंडित में बड़े बड़े से बड़ा पंडित कौन है? शिव बाबा। वो कहते हैं दाएं हाथ घूमो। घूमना ही है तो कहाँ घूमो? राइट हाथ में घूमो, लेफ्ट हाथ में तो मत घूमो, व्यभिचारी तो मत बनो। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम बायजोली खेलेंगे। ब्राह्मण बनकर के फिर नीचे ऊपर होते रहते हैं, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। जो बच्चों को चित्र दिखाया है, विराट रूप में क्या दिखाते हैं? सिर्फ देवताओं को ही दिखाते हैं? विराट रूप में सिर्फ भगवान को ही दिखाया है या जानवरों को भी दिखाते हैं? कीट पशु पक्षी पतंगे सब दिखाए हुए हैं। इसका मतलब सब ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में और नीचे से ऊपर की स्टेज में गिरते रहते हैं। बाकी
विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा जिसको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, जिसकी पूजा नहीं होती, और वही ब्रह्मा जगदम्बा के रूप में बिना दाढ़ी मूछ के दिखाया जाता है। जगदम्बा कहो ब्रह्मा कहो, अर्थ एक ही है कि अलग अलग है? जगदम्बा माने सारी जगत की अम्बा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी से बड़ी माँ, तो अर्थ तो एक ही हो जाता है। तो ब्रह्मा को विराट रूप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो अधूरा है, भले जगदम्बा बन जाए तो भी जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। है नहीं। है नर का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी बनना लक्ष्य है, नर से नारायण बनना लक्ष्य है, लेकिन जगदम्बा बनना लक्ष्य नहीं है। तो ब्रह्मा कोई संपूर्ण रूप नहीं है, ऊंचे से ऊंचा रूप नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को तीन पुरियों में सबसे नीचे तबके में दिखाते हैं। जैसे वाला का तो संपूर्ण बन गया है ब्रह्मा है, जैसे तो बोलते हैं संपूर्ण बन गया है ब्रह्मा। संपूर्ण की फिर पूजा होती है कि नहीं होती है? ये भी तो कहते हैं संपूर्ण की पूजा होती है, जैसे कि मैं बोलती हूं। बोलते हैं तो उनसे पूछो, तुम ये भी तो कहते हो संपूर्ण की पूजा होती है, तो संपूर्ण की पूजा होती है तो पूजा कहाँ होती है? जवाब नहीं देते हैं। जब जवाब नहीं है तो झूठी बात है ना। तो ब्रह्मा को विराट रूप नहीं दे सकते, और विष्णु को भी विराट रूप नहीं दे सकते, क्योंकि विष्णु को सर तो एक ही दिखाया जाता है, भुजाएं अनेक दिखाते हैं, और शंकर को भी विराट रूप नहीं दे सकते। शंकर भी याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है ना, तो याद पापी करेगा या पुण्यात्मा करेगा? भगवान याद करेगा या जो भगवान नहीं होगा शैतान होगा, कुछ न कुछ शैतानी है तो भरी होगी, वो याद करेगा? पतिति याद करेगा या पावन याद करेगा? पतिति ही याद करेगा। तो शंकर को भी विराट रूप नहीं दिखाया जा सकता। उनमें छोटी ब्राह्मण तो नहीं होता है, तुम जानते हो कि बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, माना पतित में आते हैं या पावन में आते हैं? पतित में आते हैं। दुनिया में ये बात कोई नहीं जानता। क्या बात? कि सुप्रीम सोल बाप, अल्लाह कहो गॉड फादर कहो, वो ब्रह्मा के तन में आता है। तुम जानते हो कि बाप जिस तन में आता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, और ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों को ही बाप पढ़ाते हैं, है? जो ब्रह्मा की औलाद नहीं बने उनको बाप नहीं पढ़ाते। तो ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई में टाइम भी लगता है। क्या वो पढ़ाइयां तो ऊंचे से ऊंची पढ़ाई कहेंगे, एमए एमएससी, कितने साल लगते हैं? 16 साल में हो जाती है। पीएचडी करेंगे, डीलिट करेंगे, 2-4 साल, 8 साल और बढ़ जाएंगे, लेकिन ये पढ़ाई कितने साल की? सारी जिंदगी पढ़ाई पढ़नी है। इसकी लिमिट नहीं। लिमिट में नहीं बांध सकते, तो इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि ये राजधानी स्थापन होती है। ये राजधानी दुनिया की बड़े से बड़ी राजधानी है,
और कोई पुरुषोत्तम संग में नहीं होता, जबकि तुम इतने ऊंचे से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। और युगों में और जन्मों में ऊंचे से ऊंचे पाठ धारित तो हुए हैं, जिनकी हिस्ट्री में बहुत महिमा होती है, लेकिन इतने ऊंचे पाठधारी किसी जन्म में नहीं बने जो दुनिया में उनकी कोई ग्लानी ही ना होती हो, कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। उनकी महिमा ही महिमा होती है। वो कौन है? नहीं, शंकर की तो बहुत ग्लानी होती है। हाँ, नारायण की कोई महिमा ये नहीं कह सकता कि उसमें दोष है, महिमा ही महिमा होती है। ओम शांति।